हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। 1.3 हम थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। ये रियल नंबर है, रियल नंबर क्लास 10 का। 1.2 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। 1.3 डिस्कस करेंगे। उससे पहले दो थ्योरम है, थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.3 क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम 1.3 है कि लेट पी इज ए प्राइम नंबर। ध्यान देना, लेट पी इज ए प्राइम नंबर मतलब कोई नंबर पी है वो एक प्राइम नंबर है। पी इज ए प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर क्या होता है, उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा वन, एक होगा इट्सेल्फ, खुद अपना फैक्टर होगा, खुद नंबर होगा। उसके बाद अगर कोई पी और कोई प्राइम नंबर है, ध्यान देना, अगर ध्यान देना ये कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके बाद इसका अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, ए स्क्वायर कोई नंबर होगा, बस जैसे मान लो ए स्क्वायर है 4। ध्यान देना, 4 अगर डिवाइड कर देता है, 4 को अगर डिवाइड कर दे रहा है पी कोई प्राइम नंबर 2। ध्यान देना, कोई ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर हमने 4 ले लिया, मान लो हमने ए स्क्वायर लिया इक्वल टू 4 और हमने पी लिया है 2, ठीक है ना। मान लो ए स्क्वायर को पी ने डिवाइड कर लिया, तो पी के पास इतनी काबिल, पी क्या करेगा, पी उसके बाद ए को भी डिवाइड कर सकता है। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर 4 है तो इक्वल टू 2। तो ए को भी पी डिवाइड कर सकता है, यानी ए को, यानी पी क्या है, पी 2 है, तो 2 को 2 डिवाइड कर सकता है। तो अब एक बार और समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि लेट पी इज अ प्राइम नंबर। यहीं से मैं समझा देता हूँ आपको। लेट पी इज बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक वन और एक खुद, ठीक है ना। पी एक कोई प्राइम नंबर है। तो अगर अगर ध्यान देना, अगर यदि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो पी ए को भी डिवाइड कर देगा, मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा था, देखो सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कराता हूँ। कोई पी एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ध्यान देना, पी एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए, अगर ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ए स्क्वायर के बारे में नहीं दिया हुआ कि ए स्क्वायर कौन सा नंबर है। अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर देता है, यानी ए स्क्वायर मैंने मान लिया ए स्क्वायर 4 होगा, पी अगर 2 होगा, पी कोई प्राइम नंबर लेना है, तो ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर देता है, तो पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड कर सकता है। ए क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। तो यही हमें प्रूफ करना है। और ए बस एक कुछ नहीं है, ए बस एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ए पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं, देखो हमने कोई नंबर लिया, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। जैसे आपने ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर दिया, ध्यान देना, ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर के अंदर कोई ऐसा प्राइम फैक्टर तो होना चाहिए ना पी के इक्वल। जैसे ए स्क्वायर को पी कैसे डिवाइड करें, ए स्क्वायर 4 हुआ, तो 4 का वैल्यू क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टर 2 into 2। तो पी क्या है, मतलब एक प्राइम फैक्टर, ध्यान देना, ए स्क्वायर के अंदर एक प्राइम फैक्टर तो पी के इक्वल होना ही चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाया। जैसे यहाँ पे होता 3 into 5, तो क्या डिवाइड कर पाता, नहीं कर पाता, ठीक है ना, क्योंकि एक भी प्राइम फैक्टर इसके इक्वल नहीं हुआ, इसका ए स्क्वायर का एक भी प्राइम फैक्टर इसके इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो ए हमने, ए कोई भी नंबर होगा, ए कोई नंबर होगा, उस वो इसमें ब्रेक होगा, ठीक है ना। ए कोई नंबर होगा, ए मान लो 500 नंबर है, ए है 500, तो आप इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे ना, 2 into 2 into 2 into, ऐसे 5 into के कुछ भी करके ब्रेक करोगे ना, ए को आप पहले ब्रेक करोगे, जहाँ पे P1, P2, P3 से लेकर PN तक कोई नंबर है वो प्राइम नंबर है। ध्यान देना, प्राइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और ज़रूरी नहीं अलग होगा, क्योंकि इसको आप ब्रेक करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, 2 into 2 into 2, कुछ 8 नंबर ले रहे हैं, 8 नंबर ले रहे हैं, तो किस टाइप से ब्रेक होगा, 2 into 2 into 2 होगा ना, ठीक है ना। अगर ए स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा, P1 into P2 स्क्वायर कर दे बस इसका, तो ए स्क्वायर ए वाला आएगा। तो ए स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर देता है, तो पी के अंदर, ध्यान देना, ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर देगा, तो इसके अंदर क्या था, कोई ऐसा प्राइम फैक्टर था ना, मतलब कि ए स्क्वायर के अंदर कोई ऐसा प्राइम फैक्टर था ना जो पी के इक्वल हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें से। और देखो, इतना तक समझ गए। नाउ वी आर गिवन डेट पी डिवाइड ए स्क्वायर, ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है। देयरफॉर
फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स इट फॉलोज दैट पी इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. मतलब ए स्क्वायर को अगर हम पी से डिवाइड कर पा रहे हैं, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ए स्क्वायर का कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर पी होगा ही. ए स्क्वायर का वैल्यू होगा, मान लो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 होगा. अगर ए स्क्वायर है 16 तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, और हमने ए को ले रखा है, हमने पी ले रखा है 2. तो इसका ए स्क्वायर के अंदर जो प्राइम फैक्टर आया वो पी के इक्वल आया, तभी तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते. तो इससे हमें पता चल गया, हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बी रियलाइज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर सो पी इज वन ऑफ द. जैसे मान लो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ए हमने लिया 4 × 4, तभी तो ए स्क्वायर आया 16. ध्यान देना, पी हम 2 ले चुके हैं. तो जब अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड होगा, इन दोनों से में से किसी से डिवाइड हुआ, तो एक से भी तो डिवाइड होगा. अगर मान लो दोनों 7 से डिवाइड हो रहा है, पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो दोनों सेम नंबर है ना, ध्यान देना दोनों सेम नंबर है ना, और पी एक प्राइम नंबर है, तो इसको भी तो अकेले को भी तो डिवाइड कर सकता है. क्योंकि जैसे ही आपने स्क्वायर ले लिया, आप ए स्क्वायर ले रहे हो, तो ए स्क्वायर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, प्राइम नंबर नहीं होगा. और प्राइम नंबर अगर ए प्राइम नंबर हो भी जाए, मान लो ए अगर प्राइम नंबर हो भी जाए, ए अगर 3 × 3 हो जाए, ए अगर 3 लिया, तो 3 × 3 ए स्क्वायर 9 हो गया. अगर ध्यान देना, अगर पी डिवाइड कर पा रहा है 9 को, यानी पी क्या क्या होना चाहिए, पी या तो 1 होना चाहिए, या तो नहीं 1 नहीं, क्योंकि सिर्फ पी प्राइम नंबर है, तो पी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है. तो अगर p का वैल्यू 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है ना, तो p अगर 9 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 को भी तो डिवाइड कर सकता है ना, यही हमें बताना है, ठीक है ना. बस मैं एक बारी और समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ठीक है, एक बारी और समझ लीजिए. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि p कोई एक प्राइम नंबर है, एग्जांपल समझा दो, p एक कोई प्राइम नंबर है, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, और 3, ठीक है ना, ए स्क्वायर कुछ भी हो सकता है. ए स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 4, 9, 16 कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना. मान लो पहले हमें पहले से पता है, पहले से क्वेश्चन है पता है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कुछ भी ले लो आप, मान लो ए स्क्वायर 9 लेते हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है. तो ए 3 है, तो ए स्क्वायर 9 है. अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर पा रहा है, ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर पा रहा है, यानी पी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, ठीक है ना. तो यानी ए स्क्वायर 9 है, पी इक्वल टू 3 है, ठीक है ना. पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर को पी डिवाइड करना ही करना है, ये जरूरी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से इफ़ यही है, ठीक है ना. अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर पा रहा है, यानी ए स्क्वायर 9 है, तो पी को 3 होना ही पड़ेगा, ध्यान देना 3 होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है, 3 जाना है, ठीक है ना. तो अगर पी 3 है, तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है, तो पी हमारा 3 है, तो क्या पी ए को नहीं डिवाइड कर रहा है, ए इक्वल्स टू 3 है, तो पी ए को भी तो डिवाइड कर देगा, तो ए इक्वल्स टू पी इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना. अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाया, तो ए को भी डिवाइड कर देगा, यही है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स.